हमारे मेन कैरेक्टर लिंडा को उसका हस्बैंड जबरदस्ती कर एडल्ट फिल्म करने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद उसकी पूरी लाइफ को वही कंट्रोल कर रहा था। क्या अब इससे वो बच पाएगी या हम आज की हमारी मूवी लवलेस जो 2013 की एक हॉलीवुड ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है इसमें हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर लिंडा को देखते हैं जो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में अब काम कर रही थी। उसकी मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुकी थी पर अब भी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अब इसके बाद यहाँ पर वो कैसे पहुँची इसका फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। एक दिन लिंडा की मदर घर पर नहीं थी तो स्विमिंग पूल के पास लिंडा और उसकी फ्रेंड पैट्सी ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे। पैट्सी अपनी इनरवेयर निकाल लेती है तो लिंडा को पसंद नहीं आता। एक साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर कर रहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ भी बात आगे बढ़ाने में वो डर रही थी। थोड़ी देर में लिंडा की मदर काम से ज़रा जल्दी घर पर आके लिंडा को इस तरीके से देखकर उसे बहुत डांटती है। थोड़ी देर में लिंडा और उसकी फ्रेंड स्केटिंग करने के लिए गए हुए थे। एक बैंड बहुत ही अच्छे से प्ले कर रहा था। पैट्सी वहाँ के एम्प्लॉय से कहती है कि इनमें कुछ तो मिसिंग लग रहा है, इनके पास नाचने वाली लड़कियाँ नहीं है। पैट्सी बहुत ही फॉरवर्ड थी तो जाकर स्टेज पर नाचने लग गई। लिंडा ने भी थोड़ी देर में उसे ज्वाइन किया। यहाँ पर हमारा और एक मेन कैरेक्टर मौजूद था जिसका नाम था चक। चक की नज़र लिंडा पर पड़ी और उसे वो बहुत ही अच्छी लगती है। चक उनसे कहता है कि तुम दोनों प्रोफेशनली भी डांस कर सकते हो, इसके बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लिंडा कहती है कि क्या ये सचमुच में पॉसिबल भी है। लिंडा पूछती है कि मुझे देखने के लिए कौन पैसे देगा। चक कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। इसके बाद चक उनका फ्रेंड बन गया था। एक रात इन्होंने पार्टी रखी थी जिसमें लिंडा रात में जा रही थी पर मदर ये देख लेती है और उसे क्वेश्चन करने लग जाती है। ये किसकी पार्टी है, किसके साथ जा रही है, सब कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद ही उसने लिंडा को बाहर भेजा। उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। ये पार्टी एक टाइप से चक और लिंडा की एक डेट ही थी। मूवीज़ वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर वो बात करते हैं और एक दूसरे की कंपनी उन्हें बहुत ही अच्छी लगी थी। लिंडा को लगता था कि वो बहुत ही बोरिंग है पर चक कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसके बाद उसे घर छोड़ने के लिए आ गया। उसने नोटिस किया था कि लिंडा बहुत ही चुप रह रही थी। उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ। लिंडा ने कहा कि गलती से मैं एक साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी मदर ने मेरे बेबी को अडॉप्शन के लिए डाल दिया। चक के साथ कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले उसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहती थी। चक कहता है कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। जिस तरीके से चक है तो लिंडा को लगता है कि उसके पेरेंट्स को चक पसंद नहीं आएगा। चक कहता है मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं उसे पसंद आऊँगा, अगर नहीं आया तो तुम एक रात मेरे घर पर बिताओगी और आया तो वही हम करेंगे। लिंडा इस पर बहुत हंसी। डिनर के वक्त चक कहता है कि मैं आर्मी में था क्योंकि लिंडा के फादर भी आर्मी में थे। उसने कहा कि आपके पास तो वॉर की बहुत सारी स्टोरीज होंगी, मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करना चाहता था। इसके बाद ही दोनों किचन में गए। पेरेंट्स टीवी देख रहे थे तो किचन में ही दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद चक लिंडा को मूवी देखने के लिए लेकर जाने वाला था पर उसे अपने घर वो लेकर आता है। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो लिंडा ने कहा कि मेरी बॉडी पर स्कार है, उसे वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। चक कहता है कि तुम जैसी हो वैसी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। रात में घर आने के लिए लिंडा को ज़रा लेट हो गया तो उसकी मदर उसे बहुत मार दिया। गुस्से में उसने घर छोड़ दिया और चक के साथ वो रहने लग गई थी। एक दिन चक के यहाँ पर पार्टी चल रही थी। पार्टी में लिंडा की फ्रेंड पैट्सी भी आई हुई थी। वो चक के पास जाती है तो चक ने एडल्ट फिल्म लगाई हुई थी। पैट्सी से पूछता है क्या तुम्हें यह सब पसंद है। पैट्सी को इतना अच्छा नहीं लगता था। चक पैट्सी के पास जाने लग गया और उसे किस करने लग गया। पैट्सी उसे दूर फेंक कर लिंडा के पास आ जाती है। उसने कहा कि वहाँ पर मत जाओ। लिंडा ने इस तरीके की मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी। चक से कहती है कि अच्छी लड़कियाँ ये सब नहीं करती। चक ने कहा कि तुम्हें यह सब करना नहीं आता क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हुई नहीं है, मैं तुम्हें टीच कर सकता हूँ। इन मूवीज़ में जो भी दिखाया जाता था यह सब करना लिंडा को अच्छा नहीं लगता था पर फिर भी चक के कहने पर उसे खुश करने के लिए कर लेती है। एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे तो इन्होंने शादी कर ली। अब इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर जाता है। लिंडा को एक दिन पुलिस स्टेशन से कॉल आया। चक को पकड़ लिया गया था तो इसकी बेल कराने के लिए उसे जाना पड़ा। उसने पहले तो इस बात पर बिलीव नहीं किया था। वो चक से पूछती कि तुमने किया क्या। चक ने उसे ऑलरेडी बताया हुआ था कि उसके काम के बारे में वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकती। लिंडा को लगता था कि चक डांस करने वाली लड़कियों को सप्लाई करता है पर अब उसे पता चला कि उनके प्रोस्टिट्यूशन में भी उसका हाथ है। चक ने कहा कि उन्हें हमेशा पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें हेल्प करता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चक और लिंडा अब एक बड़े ट्रबल में थे, उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। चक कहता है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में चक लिंडा को एक प्रोडक्शन कंपनी में लेकर गया था।
एडल्ट फिल्म की कास्टिंग के लिए लिंडाओ को ऑडिशन देने के लिए कहता है। फिल्म के डायरेक्टर ने लिंडाओ को बाहर भेज दिया और चक से कहते हैं कि ये लड़की नहीं चलेगी। आजकल लोगों को सब कुछ आर्टिफिशियल देखने की आदत पड़ गई है। लिंडा को तो डायलॉग बोलना भी नहीं आता। चक कहता है कि मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूँ। लिंडा और वो जब इंटीमेट होते थे तो एक बार उसने इसे रिकॉर्ड किया था। ये टेप देखने के बाद ये दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं। लिंडा को कास्ट करने के लिए रेडी हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग की स्टार्टिंग हो चुकी थी। यहाँ पर इनका इन्वेस्टर आया जिसका नाम था एंथोनी। एंथोनी लिंडा से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम एक बहुत ही बड़ी स्टार बनोगी। मेकअप करते वक्त लिंडा के फेस पर जरा फ्रेकल्स थे, इसे छुपाने की कोशिश की जाती है। चक इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। कहता है लिंडा के बारे में वही चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके फ्रेकल्स। सीन के पहले लिंडा जरा नर्वस थी तो मूवी का हीरो हैरी उसके पास आता है। उसने कहा कि सब कुछ एकदम अच्छा होगा, जब हम दोनों सीन में होंगे तो स्लोली स्लोली बाकी की सब चीज़ें फेड हो जाएगी। मूवी के पहले कुछ सीन शूट होते हैं। अगले दिन लिंडा का हीरो के साथ इंटीमेट होने का सीन था। इनके स्पॉन्सर एंथोनी ने कहा कि अगर लिंडा के पास चक भी होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उनका एक आदमी जिसका नाम था बुची, ये चक से बात करता है। कहता है कि हमारे पास मूवी शूट करने के लिए रील्स नहीं है, तो जाकर उसे लेकर आओ। चक कहता है कि कल लिंडा को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी वो इसकी बात नहीं मानता। अगले दिन शूटिंग स्टार्ट हुई और लिंडा की स्किल देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। लिंडा के सामने हीरो भी फर्स्ट सीन में ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया था। ये सब सक्सेसफुल हुआ और रात में ये सब पार्टी करते हैं। चक लिंडा से कहता है कि एंथोनी के पास आकर बैठो, पर लिंडा उसे मना करती है। रात में रूम से चक और लिंडा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सबको लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद मूवी के पोस्टर के लिए लिंडा का शूट स्टार्ट हुआ। वो ज़रा अनकंफर्टेबल थी तो फोटोग्राफर लैरी कहता है कि जिस तरीके से मूवी में तुम्हारे कैरेक्टर की डेवलपमेंट हुई है उसी तरीके से तुम फील करो। लिंडा का बहुत ही अच्छे से फोटोशूट हुआ और अपनी फोटोज़ उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इन सब से वो बहुत ही खुश थी। मूवी अब थिएटर्स में जा चुकी थी और सक्सेस उसे मिलना स्टार्ट हो गया था। चक एंथोनी से कहता है हमें बहुत ही कम पैसे मिले और आप लोग बहुत कमाओगे। एंथोनी बहुत ही स्ट्रिक्ट था, कहता है मैंने पूरी मूवी स्पॉन्सर की थी, इससे पैसा तो मैं कमाने वाला हूँ। मूवी बहुत ही बड़ी हिट हो जाती है और लिंडा के इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट होने लग गए। लिंडा का अब सपना था कि उसे एक्चुअल मूवी स्टार बनना है। लिंडा के पेरेंट्स को इसके बारे में जब पता चला तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। एक दिन इनके प्राइवेट स्क्रीनिंग की पार्टी थी जहाँ पर लिंडा ह्यू हेपनर से मिली। ये प्लेबॉय मैगजीन का एडिटर था। लिंडा उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। आज पूरा प्रीमियर एक दूसरे के साथ ही थे। ह्यू लिंडा से कहता है कि तुम एक्चुअल में मूवी स्टार बन सकती हो, वो इसके लिए उसे हेल्प कर सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। ये सब काम वो नहीं करती और अब वो एक बुक लिख रही थी। बुक लिखने से पहले उसके पब्लिशर ने उसे वो सच बोल रही या झूठ इसकी टेस्ट लेने के लिए कही। अब तक जो भी सिचुएशन हमें बताई जा रही थी इसके पैरेलल में एक्चुअल में लिंडा के साथ क्या हुआ था ये अब हमें पता चलेगा। लिंडा के साथ चक ने जब शादी की थी तो उसे हर एक चीज़ करने के लिए फोर्स करता था। एक दिन तो हर्ट भी हो गई थी तो इस बात से उसे बहुत ही बुरा लगा था। चक उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें सिर्फ पैशन दिखा रहा था, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। लिंडा ने भी इन सब बातों को समझ लिया। जब इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो चक लिंडा को रेडी कर एक क्लब में लेकर गया। एक डॉक्टर से वो बात करने लग गए थे। उस डॉक्टर को लिंडा बहुत ही पसंद आई थी तो चक ने लिंडा को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए ज़बरदस्ती की। वो लिंडा से ही प्रोस्टिट्यूशन करवाने लग गया था। अगर वो ये सब नहीं करती तो चक उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर देता। इन सब से तंग होकर लिंडा एक रात अपनी मदर के पास आ गया। मदर को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पूछते कि हुआ क्या, लिंडा ने कहा कि क्या कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। लिंडा की मदर कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तभी प्रेग्नेंट हो गई थी, तुम्हारी सिस्टर को लेकर मुझे इस सोसाइटी में रहना पड़ा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई थी। तुम्हारे फादर बाद में मिले और उस वजह से सब कुछ ठीक हो गया था। तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हें संभाल सकता है, अगर तुम बिना हस्बैंड के हमारे घर पर रहोगे तुम्हारा जीना बदतर हो जाएगा। वो कुछ चाहता था और शायद तुमने वही नहीं किया और इसी वजह से तुम यहाँ पर आ गई हो। अपने पति को तुम्हें खुश रखना चाहिए, वो जो भी कहता है तुम्हें करना चाहिए। इस बात को लेकर उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। लिंडा बहुत रोती है, सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पर रहना चाहती थी पर उसकी मदर उसे अलाउ नहीं करती। चक का कॉल आया तो मदर ने उसे ले जाने के लिए कहा। घर आने पर चक उसे कहता है तुम अब एक मूवी करोगी, मैंने तुम्हारे लिए पार्ट लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। चक ने उसे गन लगाकर धमकाया हुआ था। इसके बाद हम लिंडा को मूवी सेट पर रोता हुआ देख सकते हैं। सब कुछ उसके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था। हमने प्रीवियसली देखा था कि लिंडा ने चक को एंथोनी के पास आकर बैठने के लिए मना कर दिया था।
उस रात चक लिंडा को बहुत मारता है। एक दिन लिंडा अपने फ्रेंड पैट्सी से मिलने के लिए गई हुई थी, तो चक भी उसके साथ ही आया। पैट्सी उसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड हूँ। लिंडा कहती कि ये सब मूवी में कह रहे हो क्या, इसी वजह से? पैट्सी ने कहा कि वो नहीं है, चक बहुत ही वियर्ड है, क्या वो तुम्हें सब कुछ करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? बाहर आकर चक ये सब बातें सुन रहा था, तो लिंडा डर कर कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि चक मेरा हस्बैंड है। एक दिन पार्टी में चक एंथोनी के साथ पैसों को लेकर बात कर रहा था। एंथोनी ने कहा कि मैंने ऑलरेडी लिंडा से बात की हुई है, अगली मूवी में मैं उसे डबल पैसे देने वाला हूँ। लिंडा ने चक को इसके बारे में बताया नहीं था, तो उसे बहुत मारता है। चक ने इनके मूवी के स्पॉन्सर से पैसे लेकर अपने लिए घर वगैरह भी बाय कर लिया था। एक आदमी उसके कॉन्टेक्ट में आया था, जिसके साथ मिलकर वो टॉयज वगैरह सेल कर बहुत सारे पैसे कमाने वाला था। ज़बरदस्ती लिंडा की एक फेक बायोग्राफी लिखना भी वो स्टार्ट करता है। एंथोनी चक के पास आकर उसके पैसे फिर से वापस मांगता है। चक ने कहा कि थोड़े दिनों में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर एंथोनी कहता है कि लिंडा को सिर्फ और एक मूवी करने के लिए मना लो, पैसों के बारे में तुम्हें वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिंडा की मूवी का जब प्रीमियर हुआ था, तो ह्यू हेफनर भी सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। इन सब बातों से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। एक रात घर आने पर अपने पेरेंट्स को कॉल लगाती है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मूवी के बारे में पता है, तुम्हें ये सब करता मैं देख नहीं सकता, क्या तुम्हारी परवरिश में हमसे कुछ गलती हो गई थी? ये सब सुनकर लिंडा को बहुत बुरा लगा। चक लिंडा से कहता है अब तुम्हें और एक मूवी करनी पड़ेगी, पर लिंडा इस बात को मान नहीं रही थी। उसने कहा कि चलो हमें एक और पार्टी में जाना है। उसे एक होटल रूम में गया और वहाँ पर उसका सौदा किया। वहाँ बहुत सारे लोग थे, लिंडा को उसने गन लगाकर धमकाया। सब मिलकर लिंडा को ज़बरदस्ती करते हैं, एक तरीके से उसे मना करने के लिए उसे सजा दे रहा था। ये जब घर पहुँचे तो लिंडा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर चक ने उसे रोक लिया। नीचे गिरकर वो हर्ट हो गई थी। वहाँ से पुलिस की गाड़ी भी गुजर रही थी। वो पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो? पुलिस ऑफिसर ने लिंडा को पहचान लिया। चक कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, हम अब घर ही जा रहे हैं। लिंडा डर कर कुछ भी कह नहीं पाती। पुलिस ऑफिसर ही लिंडा को ऑटोग्राफ ले लेता है। सुबह होने पर चक जब सोया हुआ था, तब लिंडा वहाँ से भाग गए। डायरेक्टली एंथोनी के पास आए। एंथोनी कहता है तुम्हें सिर्फ और एक मूवी करनी है, उसके बाद तुम इंडिपेंडेंट जी सकोगे। लिंडा ने उसकी सारी सिचुएशन उसे समझा दी। वो कहती कि अब मैं और एक मूवी नहीं कर सकती। एंथोनी डिसाइड करता है कि उसे सपोर्ट करेगा। उसने उसे रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जगह दी। चक लिंडा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। फाइनली एक होटल में उसे लिंडा के बारे में पता चल गया। वो रात में गन लेकर लिंडा के रूम में आया, पर ये रूम एंथोनी का था। एंथोनी ने ऑलरेडी रूम को शिफ्ट कर दिया था। वो कहता है कि तुम अब कभी भी लिंडा के पास नहीं जाओगे। उसने उसे बहुत मारा। और इसके बाद 6 साल गुजर गए थे। लिंडा अब एक्चुअल में अपनी बायोग्राफी लिख रही थी। उसका हमें घर दिखाया जाता है, जिसमें उसका हस्बैंड और एक छोटा सा बेटा था। उसे पब्लिशर से कॉल आया था और उसकी स्टोरी अप्रूव हो गई थी। लिंडा के हस्बैंड ने कहा क्या तुम सचमुच में ये सब करना चाहती हो? लिंडा कहती कि मेरी स्टोरी के बारे में सबको पता चलना चाहिए। लिंडा की बुक फेमस हो गई और उसकी टीवी पर इंटरव्यू आती है। लिंडा से पूछा जाता है कि जब ये सब चल रहा था तब उसने क्यों आवाज़ नहीं उठाई थी। लिंडा कहती कि सोसाइटी में हमें बताया जाता है जैसा हमारा पति कहे वैसा ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू लिंडा की मदर सुन रही थी। ये बात मदर ने उसे कही थी, तो इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस होता है। लिंडा ने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ उस वक्त मैं बहुत ही छोटी थी, वो एक चीज़ मेरी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकती, यही मैसेज अपने बुक से वो देना चाहती थी। इतने साल लिंडा के पेरेंट्स ने उससे बात नहीं की थी। उस इंटरव्यू के बाद वो लिंडा को घर पर बुला लेते हैं, एक दूसरे को गले लगा कर ये सब बहुत रोए। फिर से एक फैमिली वो बन चुके थे। इसी एक मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। लिंडा की मूवी ने $600 मिलियन कमाए थे, जिसमें से उसे सिर्फ $1,250 मिले। उसकी बुक बहुत फेमस हुई थी। चक को बाद में हार्ट अटैक आकर उसकी डेथ हो गई थी। ये मूवी हमें बता कर जाती है कभी कभी हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं है, सब कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है, पर फिर भी वो टाइम निकल जाता है। इसके बाद हमारे लाइफ में हम एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। कभी भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देर नहीं होती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।